अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। माननीय मुख्यमंत्री ने जनहित, देश हित, संविधान हित सारे मुद्दों को समेट करके संक्षिप्त में बात रखी है और ये स्वागत योग्य है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए ताकि जनमानस में अगर किसी तरह की कोई बेचैनी या परेशानी है तो सदन के माध्यम से ये बातें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। रह गई बात बिहार में, तो अस्पष्ट है कि न कोई शरणार्थी दिखता है और न ही कोई घुसपैठी दिखता है। इन दोनों से हमारा बिहार बिल्कुल सुरक्षित और सजग है। लेकिन जो आप जो सहयोगी हैं आपके बीजेपी के मंत्री और बाकी लोग, वो कह रहे हैं कि बिहार के जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो हैं और जरूरी है कि बिहार में कम से कम वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए अगर केंद्र की सरकार राष्ट्रहित को ध्यान रख कर लाती है तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, पहले तो ये बताना चाहिए कि देश में कितने शरणार्थी आए और कहाँ से आए, जहां से आए वहां का क्या प्रूफ है। इस पर बहस होनी चाहिए थी कि टोटल कितने शरणार्थी हैं और कितने घुसपैठी हैं, तो इस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं, तो पहले तो ये चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात कि जैसे आसाम का एक उदाहरण है, जो 19 लाख की अनकम्प्लीट सूची आई, तो जो संदिग्ध हुए वो भी तो डिफाइन होना चाहिए कि जो संदिग्ध हुए वो किस देश से आए और किस सन में आए, वो भी नहीं हुआ। तो कंफ्यूजन की पोजीशन नहीं होनी चाहिए जनता और सरकार और कानून और संविधान के प्रति। जनता के बीच स्पष्ट संवाद भी होना चाहिए, स्पष्ट संदेश भी होना चाहिए। कंफ्यूजन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, या फिर जो विपक्ष है जो कि इसको लेकर के मुद्दा बना रहा है, देश बंद कर रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन है, वो लोग कर रहे हैं, कर कौन रहा है? वो कंफ्यूजन चाहे जो भी करे, जनता संविधान के प्रति जागरूक है, ये धन्यवाद के लिए सामने के पात्र हैं और हम सैल्यूट करते हैं कि संविधान हमारा जीवित भी है।